नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। कुछ बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों पहली खबर एयर इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें एयर इंडिया के पायलटों की सैलरी कटौती मामले में केंद्र सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। बता दें एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को ट्वीट करके जानकारी दी है कि केंद्रीय उड़ान मंत्रालय के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि अन्य एयरलाइन की तरह इसके भी कर्मचारियों की नौकरी नहीं छीनी जाएगी। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें एतिहाद एयरवेज यहाँ पर इस हफ्ते से अपनी लो कॉस्ट जो फ्लाइटें हैं वो शुरू करने जा रहा है और यहाँ पर जो काफ़ी सारे रूट्स हैं करीब करीब 14-15 रूट्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें सूरत एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आपको बता दें सूरत एयरपोर्ट से 23 जुलाई से यात्री इंटरनेशनल सफ़र कर सकेंगे। आपको बता दें सिंगल पीएनआर सिस्टम के तहत एयर इंडिया की फ़्लाइट से सूरत से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क की यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ 23 जुलाई से हर मंगलवार और हर गुरुवार को फ़्लाइट जाएगी, जिसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें यात्रियों को इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरकर वहां कस्टम और इमिग्रेशन प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहां पर गोरखपुर से निकल कर आ रही है। आपको बता दें गोरखपुर से दिल्ली के लिए अब प्रतिदिन 4 जो फ्लाइटों का अरेंजमेंट है वो किया गया है। आपको बता दें स्पाइस जेट ने शुरू करी है यहाँ पर इवनिंग सेवा के तहत, यहाँ पर 4 फ्लाइटें अरेंज की हैं। तो दोस्तों ये हैं अभी तक के कुछ बड़ी अपडेट्स। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु में, आपका दोस्त विनायक। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।